नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसरो के अंदर स्टाफ नर्स और लैब असिस्टेंट के पदों पर निकली हुई वैकेंसी के बारे में, और साथ में चर्चा करेंगे कितनी पोस्ट हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस रहेगी और क्या लास्ट डेट रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, और इस नोटिफिकेशन की जो PDF है वो आप टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में इस नोटिफिकेशन की जो ऑफिशियल साइट की लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो वैकेंसी निकली है वो इसरो के 30 धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्री हरिकोटा के लिए निकली है, जिसमें अगर फॉर्म स्टार्ट की बात की जाए तो फॉर्म इसके स्टार्ट होंगे 7 मार्च 2020 से। आगे हम बात करें पोस्टों की, तो नर्स बी की पोस्ट है, यहाँ पर टोटल 2 पोस्टें हैं, और इसमें अगर बात की जाए तो SSC LC या SSC+ प्रथम श्रेणी में राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 3 वर्ष की अवधि का नर्सिंग में डिप्लोमा या नर्सिंग योग्यता संबंधित राज्य के स्टेट मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, यानी 12वीं पास होनी चाहिए, साथ में आपके पास जनरल नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए और कोई भी इंडियन काउंसिल हो या फिर स्टेट काउंसिल हो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपने लैब टेक्नीशियन की, तो इसके लिए टोटल 3 पोस्टें हैं, और डिग्री की बात की जाए या क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12वीं पास होनी चाहिए, साथ में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बाद अपने बात करते हैं फायरमैन ए की पोस्टें, टोटल 7 पोस्टें कैटेगरी वाइज आप ये देख सकते हैं, इसके लिए 12वीं पास होना चाहिए या फिर इसकी इक्विवेलेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में निर्धारित भौतिक स्वस्थता या का मापदंड तथा सहन शक्ति परीक्षा मापदंड संतोषजनक होने चाहिए, आपका ये फिजिकल होगा वो भी कंप्लीट करना चाहिए। आगे हम चर्चा करते हैं इनकी, पद ये अस्थायी हैं लेकिन उनके जारी रहने की संभावनाएं हैं, यानी आगे भविष्य में वो जारी रहेंगे। आगे अपने पेमेंट की बात की जाए तो नर्स बी की लेवल 7 के अनुसार 44,900 लेकर 1,42,400 तक पेमेंट मिलेगी, यानी प्रति माह जो पेमेंट रहेगी वो औसत रहेगी 52,533 से, और जो एज है वो 27/3/2020 को 18 मिनिमम और 35 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा है और उससे कम है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लैब टेक्नीशियन की बात की जाए तो पर मंथ 29,835 रुपये मिलेंगे, एज वही रहेगी 18 से 35 के बीच में। फायरमैन के लिए बात की जाए तो स्तर लेवल 2 के अनुसार आपको पर मंथ 23,283 मिलेंगे, और एज की जो लिमिट है वो रहेगी 18 से 25 साल की, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 साल। आगे हम चर्चा करते हैं इसके बारे में फीस की, तो फीस है प्रत्येक आवेदन हेतु 100 रुपये यहाँ पर फीस लगेगी। फीस आप डेबिट क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग किसी भी माध्यम से यहाँ पे करवा सकते हैं। ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप फीस अप्लाई कर सकते हैं, फीस जमा करवा सकते हैं, और फीस एक बार जमा होने के बाद दोबारा आपको वापस नहीं मिलेगी, यानी रिफंड नहीं होगी। आगे बात करें, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो निम्न डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको अपलोड स्कैन कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी, जैसे फोटो JPG प्रारूप में, हस्ताक्षर आपके JPG प्रारूप में, 12वीं या 10वीं का जो सर्टिफिकेट है वो भी PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा, नर्सिंग चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक में मूल प्रोविजनल डिप्लोमा वो भी अपलोड करना पड़ेगा, जिस पद हेतु आवेदन किया है उसके लिए निर्धारित अनिवार्य पात्रता के संबंध में PDF प्रारूप में समेकित अंक पत्रिका, यदि राज्य बोर्ड विश्वविद्यालय संस्था ने समेकित अंक पत्रिका जारी नहीं की है, वर्ष सत्र के अनुसार अंक पत्रिका अपलोड करनी पड़ेगी, यानी 12वीं की, 10वीं की या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल वो भी साथ में जमा आपको करवानी पड़ेंगी, अपलोड करनी पड़ेंगी। शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, अनाप्ति प्रमाण पत्र यदि आप किसी सरकारी क्षेत्र में पहले से कार्यरत हैं तो, जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा, मानक निःशक्त जन हेतु निःशक्तता प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको कर्तव्य मुक्ति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर ये अपलोड आप जो भी मांगे गए हैं इनमें से अपलोड नहीं करते तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो चयन लिखित और कौशल परीक्षा या अपने जो फिजिकल की बात की जाए उसके आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं तो कौशल परीक्षा किस प्रकार होगी, उसमें शारीरिक मापदंड क्या रहना चाहिए, तो आप ये देख सकते हैं, जिसमें बात की जाए तो 100 मीटर की दौड़ होगी, उम्मीदवार की आयु की बात की जाए 40 वर्ष से कम है तो 13 सेकंड में कंप्लीट होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक है तो 14 सेकंड में, ऊंची कूद 40 वर्ष से कम है तो 5 फीट और 40 वर्ष से अधिक है तो 4 फीट 6 इंच होनी चाहिए,
लंबी कूद 17 फीट या 15 फीट होनी चाहिए, 7.27 किलोग्राम का भाला फेंकना 24 फुट और 20 फुट, क्रिकेट गेंद फेंकना 225 फुट और 200 फुट, रस्सी चढ़ना 14 फुट 12 फुट और पुलअप 10 और 8, 15 मीटर की दौड़ 5 मिनट 15 सेकंड और 5 मिनट 45 सेकंड में, ये इनका फिजिकल रहेगा। अब इसके लास्ट डेट की और फॉर्म स्टार्ट की बात की जाए तो ऑनलाइन पंजीकरण इसका स्टार्ट हो जाएगा 7/3/2020 से और जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 27/3/2020। इसमें से आप आवेदन कोई सी भी वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, दोनों वेबसाइट में से किसी भी वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।